आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील शब्दों के साथ नवविवाहित महिला की फोटो पोस्ट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फेसबुक पर तीन अलग अलग नाम से फर्जी आईडी बनाकर एक नवविवाहित महिला की फोटो के साथ अश्लील शब्द लिखकर पोस्ट कर दिया गया था, जिस पर कई प्रकार के कमेंट आ रहे थे। ये 29 तारीख को मेरी वाइफ के नाम से फ़ोटो और नंबर डाल के उसमें अश्लील पोस्ट कर दी गई थी कि वंदना मिश्रा बिट्टू के नाम से, तो उस पर हम लोगों ने रिपोर्ट की थी, तो FIR दर्ज किए थे। तो आज आरोपी पकड़ गए हैं, तो पुलिस ने बुलाया था पहचान करने के लिए। तो इसमें हमारी वाइफ की देवरानी का सगा भाई है, उनसे विवाद चल रहा था हम लोग का, तो उन लोगों ने बदनाम करने के लिए ये डाला था पोस्ट। वाइफ की देवरानी का सगा भाई जी, क्या नाम? प्रकाश पासवान। और प्रकाश पासवान और उनके बड़ा पिता कमलेश पासवान है। कहाँ के ये? सगरा मझगवा के। तो आपने इसकी मतलब शिकायत की है सिविल जी? तो ये साइबर से अपना वो करके पता लगा के उनको गिरफ्तार कर लिए हैं। कितनी फर्जी आईडी बनाई गई? ये मेरे वाइफ के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई थी और एक देव कुमार के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी, उसमें ये पोस्ट कर रहे थे। एक वंदना मिश्रा बिट्टू के नाम से फर्जी आईडी बना के पोस्ट कर रहे थे। अब सभी आईडियों को बंद कर दिया गया है अभी साइबर सेल से। कितने लोग पकड़े गए? इसमें तीन लोग पकड़े गए हैं, प्रकाश पासवान, अनिल पासवान और कमलेश पासवान। सब कहाँ के हैं? सब सगरा के निवासी हैं। इस बात की जानकारी जब महिला के पति को हुई तो मामले की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल होना बताया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि बीते दिनों तीन अलग अलग नाम से फर्जी आईडी बनाकर उनकी फोटो के साथ अश्लील शब्द लिखकर पोस्ट किया गया था। फेसबुक पर पोस्ट की गई तस्वीरों पर अश्लील कमेंट आ रहे थे। इस बात की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में शामिल नाबालिग द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी। इस मामले में नाबालिग सहित उनके पिता व एक अन्य निवासी सगरा मझगवा को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित महिला का रिश्तेदार है, जो महिला की फोटो आसानी से निकालकर फेसबुक पर अश्लील कमेंट के साथ सार्वजनिक कर रहा था। मैडम क्या करते हो यहाँ पे साथ? 29 तारीख को मेरी फेसबुक आईडी पे किसी ने पोस्ट करके मुझे टैग भी करा, उसमें मेरी फ़ोटो नंबर और बहुत कुछ अश्लील बातें भी लिखी। किनके द्वारा ये किया गया था? ये पता लगाया साइबर वालों ने कि मेरी देवरानी के भाई का नंबर है, उससे वो आईडी बनी है। अभी पुलिस वालों ने कितने लोगों को पकड़ा है? तीन लोग आए अभी। तो कोई इसका मतलब पहले से आपका विवाद था या फिर? अभी मेरे देवर की भी डेथ हो गई है, तो एक महीना ही हुआ है, तो वो खुद ही से नहीं आ रही है, इसके पीछे उन लोगों ने ऐसा किया। और कल भी दो आईडी बनी है, एक देव कुमार के नाम से, उसमें मेरा और मेरे पति का नंबर है, और एक और आईडी बनी हुई है मेरे नाम से, दोबारा एक था अविनाश सरोज के नाम से दूसरी आईडी बनी है। और सारे रिलेटिव को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐड कर रहा है ताकि फिर कोई नई फोटो डाल सके।